पेश है मुमरा का आलीशान ढाबा, जहां का स्वाद आपको छू जाए और आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहां पर क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। स्पेशल डिश में पाए चिकन अचारी ड्राई, चिकन हाउसिंग ड्राई, सलोनी ड्राई, हफ्सा राइस और भी लजीज पकवान, बेवरेज आइसक्रीम और फालूदा, फ्री होम डिलीवरी। इसके अलावा दस्तरखान, फैमिली रूम, वलीमा और बर्थडे सेलिब्रेशन स्पेस अवेलेबल। तो आज ही आए आलीशान फैमिली ढाबा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 खबरों की। महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस को ट्विटर पर एक धमकी भरा मैसेज मिला है। आपको बता दें कि ट्विटर से पुलिस को अज्ञात युवक ने धमकी भरा मैसेज लिखा है कि वो जल्द ही मुंबई में धमाका करेगा, जिसके बाद मुंबई पुलिस सतर्कता दिखाते हुए ट्विटर अकाउंट की जांच शुरू कर दी और अज्ञात युवक को गिरफ्तार कर उसकी पूछताछ उससे जो है किया जा रहा है। चप्पल चोरी करने का मामला सामने आया है महाराष्ट्र के पुणे से, जहां लोग चप्पल चोर के आतंक से परेशान हो गए हैं। घर के बाहर रखे चप्पलों की चोरी करते हुए चोर सीसीटीवी में कैद हो गया है। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 55 जोड़ी चप्पल चोरी किया है। इनमें से 40 जेंट्स के जूते हैं, जबकि 15 महिलाओं के सैंडल और चप्पल है। चोरी किए हुए चप्पलों की कीमत भी 30 से 40 हज़ार रुपये बताई जा रही है। मुंबई के अंधेरी में जहां एक ट्रक ड्राइवर ट्रक के केबिन में सो रहा है, तभी एक ऑटो रिक्शा से युवक वहां आता है और ट्रक में चढ़कर ड्राइवर का मोबाइल चोरी करके फरार हो जाता है। ये घटना अंधेरी के ठक्कर कंपाउंड के पास की है, जहां ड्राइवर मोहम्मद नईम सिराजुद्दीन ट्रक खाली करने के लिए खड़े थे और उसी में ये सो गए। तभी चोर इनके ट्रक में चढ़ा और इनका मोबाइल लेकर वहां से फरार हो गया। हालांकि इन्होंने इस संबंध में शिकायत MIDC पुलिस स्टेशन में की है। तेज हवा और बारिश के बीच में शादी का मंडप भी उड़ गया है, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। ये खबर है कोल्हापुर जिले की, जहां एक शादी समारोह हो रहा था और इसी दौरान तेज़ हवा और बारिश होने की वजह से पूरा तहस नहस हो गया। एक बच्चे के गले में टॉफ़ी अटकने की वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। मामला ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा का है, जहां एक बच्चा पड़ोस की दुकान से एक टॉफ़ी खरीदा और खाने के दौरान ये टॉफ़ी उस बच्चे के गले में जाकर फंस गया और बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। बच्चे को तत्काल हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन जाँच के दौरान डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया।